हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आखिरकार 83 तेजस MK1A फाइटर्स की डील को मिली अंतिम मंजूरी। इंडियन आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके भारत की ड्रोन मेकर कंपनी ने साबित किया कि वो है फॉरेन कंपनीज की तुलना में सबसे बेस्ट। DRDO ने स्वदेशी तौर पर विकसित करी उजी क्लास की एक नई मशीन पिस्टल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने खुलासा किया अपनी एक नई योजना के बारे में, और भारत में बनी दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारे दिसंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई मैगजीन आपको काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। बाकी जो पहले 1000 बायर्स इस ई मैगजीन को खरीदेंगे उन्हें ये केवल ₹11 में मिलेगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऑफर खत्म होने से पहले ये ई मैगजीन केवल ₹11 में बाय कर सकते हैं। हमारी आज की पहली खबर एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार डिफेंस में रुचि रखने वाले हर एक भारतीय को करीब एक दशक से था, और आज जाकर वो इंतजार खत्म हुआ है, जो कि है 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स की डील को लेकर। और आज PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की तरफ से करीब 48,000 करोड़ रुपए की कीमत पर 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स की डील को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। और अब CCS की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने एरो इंडिया शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच साइन किया जाएगा। और योजना के अनुसार इस डील के तहत HAL इंडियन एयरफोर्स को 2026 तक 73 फाइटर्स और 10 ट्रेनर डिलीवर करेगी। और इस बड़े फैसले की आज घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी कि जो LCA तेजस MK1A फाइटर है इसमें स्वदेशीकरण की मात्रा 50% है, और आने वाले समय में इसे 60% तक बढ़ाया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि LCA तेजस MK1A फाइटर्स में कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल की गई हैं जो आज से पहले भारत में इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की गई थी। और समय पर इन फाइटर्स की डिलीवरी के लिए HAL ने ऑलरेडी नासिक और बेंगलुरु डिवीजन में सेकंड लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्थापित कर लिया है। हालांकि वर्तमान समय में HAL के बेंगलोर वाले प्लांट में 8 LCA फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, लेकिन HAL ऑफिशियल्स का कहना है कि वे इस कैपेसिटी को 8 से 16 एयरक्राफ्ट तक करने वाले हैं। और जैसे ही इसके लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स के साथ साइन होता है तो तब तक इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अरेंजमेंट्स कर लिए जाएंगे। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो 2022 के अंत तक LCA तेजस MK1A फाइटर की पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगी, और 2024 तक तेजस MK1A फाइटर्स की पहली स्क्वाड्रन पूरी हो जाएगी। और इस डील की एक खास बात यह भी है कि इन तेजस फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य इंडियन प्राइवेट कंपनीज को भी दिए हैं, जिनमें लार्सन एंड टुब्रो, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज और अल्फा डिजाइन जैसी कंपनीज शामिल हैं। और इस एयरक्राफ्ट के डिटेल पार्ट्स के लिए करीब 70 इंडियन सप्लायर्स इसमें शामिल हैं। और तेजस MK1A फाइटर की आपको कई सारी खासियत तो पता होंगी, लेकिन आपको इसकी एक खासियत और बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में पोजीशनिंग सिस्टम के तौर पर एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GPS का इस्तेमाल तो किया ही गया है, लेकिन इसी के साथ इसमें भारत के भी स्वदेशी GPS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल करने का प्रोविजन भी शामिल है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेजस फाइटर्स इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये भी कहना था कि आज जो तेजस फाइटर्स को लेकर फैसला लिया गया है ये वर्तमान समय में LCA इकोसिस्टम को तो एक्सपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बनाने में मदद करेगा। और इसमें जहां एक तरफ इंडियन प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ावा मिलेगा तो वहीं LCA तेजस प्रोग्राम भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक वाइब्रेंट आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CCS के इस बड़े फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। हमारी जो अगली खबर है वो भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई है, और वो ये है कि भारत की ड्रोन मेकर कंपनी आइडिया फोर्ज को इंडियन आर्मी से उनके हाई ऑल्टीट्यूड पर ड्रोन्स के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए $20 मिलियन यानी कि करीब ₹140 करोड़ की कीमत का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आइडिया फोर्ज इंडियन आर्मी को स्विच टैक्टिकल ड्रोन सप्लाई करेगी। हालांकि ये ड्रोन्स कितनी संख्या में सप्लाई किए जाएंगे इसके बारे में जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन जो ये ड्रोन्स होंगे ये मुख्य रूप से हाई ऑल्टीट्यूड पर तैनात इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। और बता दें कि आइडिया फोर्ज के जो ये स्विच टैक्टिकल ड्रोन है इनके जो ऑपरेशन रेंज है वो 15 किलोमीटर तक है, और जो इनका टेक ऑफ वेट है वो करीब 6.5 किलोग्राम है। अगर बात करें इनके फ्लाइट एंड्योरेंस की तो वो है करीब 120 मिनट यानी कि 2 घंटा।
और 4000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। बाकी इनमें वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी भी शामिल है और ये एक तरीके के ऑल टेरेन ड्रोन है, यानी कि किसी भी तरह के इलाके में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ड्रोन के कई सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और ट्रायल्स के दौरान इसने कई फॉरेन कंपनीज के ड्रोन्स के साथ भी कॉम्पीट किया था और उन सबसे कॉम्पीट करके ही इन्होंने इंडियन आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बाकी टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये जो ड्रोन्स हैं, ये इंडियन आर्मी को फास्ट ट्रैक प्रोटोकॉल्स के तहत काफी जल्दी से डिलीवर कर दिए जाएंगे और ये ऑर्डर अगले साल तक कम्प्लीट हो जाएगा। हालांकि ड्रोन्स की संख्या कितनी रहने वाली है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि ये संख्या करीब 100 तक हो सकती है। और ये भी बता दें कि स्विच टैक्टिकल यूएवी भारत में बना एकमात्र ऐसा ड्रोन है जिसने इंडियन आर्मी के ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और जबकि लिफ्ट डिफेंस के साथ बात करते हुए आइडिया फोर्स के सीईओ अंकित मेहता का कहना है कि उनके इस ड्रोन को एक बर्ड की तरह बनाया गया है, लेकिन इसे एक टैंक की तरह टेस्ट किया गया है और हमारा सिस्टम इस देश की सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि कंपनी ऑफिसर्स का मानना है कि एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को काफी गहराई से समझना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही आइडिया फोर्स ने ग्लोबल कंपटीशन के खिलाफ इंडियन आर्मी से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बाकी लिफ्ट डिफेंस के साथ अब आइडिया फोर्स के सीईओ का पूरा इंटरव्यू लिफ्ट डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जीवाई के रेड्डी द्वारा स्वदेशी तौर पर एक माइक्रोकॉप्टर यानी कि एक माइक्रो ड्रोन को विकसित किया गया है जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी सर्विलियंस पर्पस के लिए कर सकती है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल किसी बिल्डिंग या कमरे में छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने में भी किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में तैनात पैरा स्पेशल फोर्सेज के एक बटालियन द्वारा इस माइक्रो ड्रोन के कई सारे सफल परीक्षण भी किए गए हैं और इन परीक्षणों के बाद अब इस ड्रोन में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी के वेपन सिस्टम में जल्द ही इंडियन आर्मी के ही फील्ड सोल्जर्स द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स को शामिल किया जाएगा, जिनमें से एक इक्विपमेंट था शक्ति लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है और वो ये है कि इस शक्ति नाम की लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट को इंडियन आर्मी के मेजर अनु मिश्रा ने विकसित किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है, यानी कि इसका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कॉम्बेटेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है जो कि भारत में इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर द्वारा बनाया गया है। इन सबके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भी एक नया इनोवेशन देखने को मिला है और वो है भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। और इस नई मशीन पिस्टल से वर्तमान समय में इंडियन डिफेंस फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 9mm की पिस्टल को रिप्लेस किया जा सकता है। और डीआरडीओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी ये नई मशीन पिस्टल ASMI 100 मीटर की रेंज तक फायर कर सकती है और ये इसराइल की यूजी सीरीज वाली गन्स की क्लास में ही आती है। अभी कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें उजी का नाम सुनकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। खैर, आते हैं भारत के स्वदेशी उजी पर, यानी कि इस ASMI पर। तो जो ये प्रोटोटाइप विकसित किया गया है, इससे पिछले 4 महीनों में इसके डेवलपमेंट फेज में 300 से ज्यादा राउंड्स को फायर किया जा चुका है। और अगर इसके सभी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो क्या पता हमें जल्द ही इंडियन आर्मी की सर्विस में एक नई मशीन पिस्टल भी देखने को मिले जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनी होगी। प्रोजेक्ट बोल्ड QIT के तहत जो असम में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के अनफेंस वाले एरियाज पर सर्विलियंस पर्पस के लिए जो हाईटेक सिस्टम इंप्लीमेंट किए गए थे, अब उनकी सफलता के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF इन सिस्टम्स को नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के साथ संवेदनशील बांग्ला बॉर्डर तक एक्सटेंड करने की योजना बना रही है और जिसके तहत इस अनफेंस बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा इस हाईटेक सर्विलियंस सिस्टम के अंडर लाया जाएगा। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि जो ये प्रोजेक्ट बोल्ड QIT है, ये स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्मार्ट फेंसिंग पर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर जो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था, अब इन क्षेत्रों से इंडियन आर्मी अपनी ट्रूप्स की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है क्योंकि इंडियन आर्मी के मुताबिक जो अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओवरऑल सिचुएशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। हालांकि फिलहाल जम्मू कश्मीर से ट्रूप्स की संख्या को कम करने की कोई योजना नहीं है। और बाकी अगर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज बुधवार को एक बार फिर से BSF द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ रीजन के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक और सुरंग को डिटेक्ट किया गया है। और जाहिर सी बात है, सुरंग का इस्तेमाल हमारे निकम में पड़ोसी द्वारा भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए किया जा रहा होगा। और जो ये सुरंग डिटेक्ट की गई है, ये करीब 100 मीटर अंदर तक भारत के क्षेत्र में आती है। और जबकि आपको ध्यान होगा कि करीब 2 महीने पहले इसी तरह की एक और सुरंग जम्मू कश्मीर से डिटेक्ट हो चुकी है। इंडियन आर्मी के एविएशन कोर में इंडक्ट किए जाने के बाद 2022 तक इंडियन आर्मी के विमेन हेलीकॉप्टर पायलट्स के पहले बैच को डिप्लॉय किया जाएगा।
बता दें कि फिलहाल अभी तक इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटीज की ही भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब जल्द ही इंडियन आर्मी को अपनी विमेन हेलीकॉप्टर पायलट्स भी मिलने वाली हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से चीन को काउंटर करने के लिए उनकी योजना के बारे में खुलासा किया गया है, जिसमें अमेरिका का कहना है कि उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उनका पर्टिकुलर फोकस भारत पर है, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत के साथ एक मजबूत डिफेंस टाइज को बढ़ाना और साथ ही साथ भारत के लिए डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि उन्हें चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद जैसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका ने खुले तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सपोर्ट करने वाली बात कही है, और जिसमें अमेरिका भारत को हर पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और केवल भारत ही नहीं बल्कि इसमें अमेरिका के और भी एलाइज शामिल हैं, और जिसमें इस बार ताइवान को भी शामिल किया गया है। और अब ताइवान को भी शामिल किया है तो जाहिर सी बात है हमारे चिंदी पड़ोसी को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।